नमस्ते दोस्तों, अब अभी आपने जो छोटी सी वीडियो क्लिप देखी है ना, वो है शाही स्नान हरिद्वार कुंभ मेले की तस्वीरें और एक छोटी सी वीडियो क्लिप है जो आप लोगों ने देखी। हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल देखो, इसके अंदर लिखा है कि हरिद्वार के अंदर शाही स्नान होगा सोमवार और बुधवार को। तो जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर ये शाही स्नान कुंभ मेले में इतना इम्पोर्टेंस ही महत्व क्यों निभाता है। इसी के साथ में इस वीडियो के अंदर हम लोगों को ये भी जानना पड़ेगा कि आखिरकार यूनेस्को जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने वाला जो मुख्यालय इसके फ्रांस के अंदर है, इसके द्वारा कुंभ मेले को एक इंटेंजिबल हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। और ये भी जानेंगे कि टेंजिबल और इंटेंजिबल ये हेरिटेज साइट क्या होती है और इनको किस तरह से हम लोग एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा भी समझेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये, नेपाल के जो एकमात्र आखिरी हिंदू राष्ट्र रहने वाले ज्ञानेंद्र भी उस मेले के अंदर पार्टिसिपेट हो रहे हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब जानने से पहले दोस्तों मैं क्या करता हूँ, आप लोगों का माइंड कूल करता हूँ ताकि मैं आप लोगों को नॉलेज फुल दे सकूं। जी जी ओ ओ ओ ओ जी जी एले एले ई ई गुलगुलो। तो अब हुआ आप लोगों का माइंड कूल, मैं देता हूं आप लोगों को नॉलेज फुल। तो स्टार्ट करते हैं भारत की बात प्रजापति के साथ। आओ समझते हैं कि आखिरकार हरिद्वार कुंभ मेला 2021 ये एकमात्र भारत का 12 वर्षों में आने वाला फेस्टिवल है, कुंभ मेला। अब कुंभ मेला के नाम से ही आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि मेला शब्द क्या आता है। मेला शब्द से ये शब्द बाहर निकल के आते हैं, सारे के सारे लोग इकट्ठे होने वाले हैं और दो गज की दूरी का पालन नहीं करने वाले हैं। इसी के साथ में जो कुंभवड़ आता है ना, कुंभवड़ ये दर्शाता है, एक सभा को दर्शाता है जिसमें सारे के सारे लोग इकट्ठे होते हैं और शाही स्नान करते हैं, ये कुंभ दर्शाता है। और यहाँ पे जो हरिद्वार वड़ा है ना, ये हरिद्वार कहाँ पर स्थित है, जब हमारे प्यारे भारत को देखते हैं और नॉर्थ इंडिया की तरफ जाते हैं ना, तो फूलों की घाटी एक राज्य आता है, उसका नाम है उत्तराखंड। यही उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार स्थित है और 12 वर्षों के बाद बनाया जाने वाला कुंभ फेस्टिवल। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जो 12 वर्षों का होता है ना, इसको पूर्ण कुंभ के नाम से जाना जाता है। और पूर्ण कुंभ बनाए जाने के बाद में 6 वर्ष के अंतराल में ही अर्ध कुंभ बनाया जाता है। और अर्ध कुंभ बनाए जाने का जो स्थान होता है ना, इनके 4 प्रमुख स्थान होता है, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। ये 4 प्रमुख स्थानों के अंदर ही कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। हमारे भारत में टोटल रामसर साइट की संख्या 42 है, पर इन 42 के अंदर आप लोगों को पता है कुछ साइट तो क्या है, टेंजिबल है, और कुछ साइट क्या है, इनटेंजिबल है। टेंजिबल साइट का मतलब ये होता है ऐसा जो क्षेत्र जिसे हम छू सकते हैं, जैसे रेड फोर्ट, इनको हम छू सकते हैं। इसी के साथ में जो इनटेंजिबल जो साइट होती है, जैसे कि यूनेस्को, यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संगठन है जो कि इसका हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस के अंदर स्थित है। तो ये क्या करता है हमारे भारत में और या किसी दूसरे देश के अंदर, ये कोई स्थान विशेष को क्या करता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर देता है, विश्व धरोहर घोषित कर देता है। और वो एक दुनिया के अंदर एक अनोखी चीज़ होती है ना, उसी को ही करता है। बीते दिनों के अंदर साउथ कोरिया में 12th सेशन हुआ, जिसके द्वारा यूनेस्को के द्वारा कुंभ मेला जो उसको क्या बोला गया है, इनटेंजिबल हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसे हम छू नहीं सकते, वो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट कहलाती है। हरिद्वार कुंभ मेला 2021 की जो कुछ वीडियोज ऐसे निकल के आ रही है, जैसे कि ये वीडियो के अंदर आप देख पा रहे हो कि सोशल डिस्टेंसिंग और दो गज की दूरी की तो धज्जी उड़ा दी इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग सोच सकते हो कि इस वीडियो के अंदर कितने कोरोना के केस पॉजिटिव पाए गए होंगे, उनकी लिस्ट इस तरह से बढ़ती जा रही है। वैसे भी दोस्तों हमारे क्या है, भारत के अंदर पहले क्या था, भारत नीचे था ब्राजील से, अब भारत ऊपर आ गया किसके मामले के, कोरोना केस के मामले के। इस मेले या अखाड़े के अंदर जो शाही स्नान हो रहा है ना, जो कुंभ के अंदर हम स्नान कर रहे हैं ना, तो न जाने कितने तो कोरोना का पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं और उनकी संख्या लगातार ही भारत के अंदर बढ़ती जा रही है। जिस तरह से आप लोग के वीडियो और आप यूट्यूब पर अनेकों वीडियो देख रहे होगी कि ये भारत में लोग
लॉकडाउन 2.0 इस तरह के काफी सारे आप वीडियो देख पा रहे होंगे। हरिद्वार कुंभ मेले के इतिहास के बारे में हम इतिहास के पन्नों को पलट के देखते हो ना, तो उन पन्नों के अंदर हमको क्या दिखाई देता है, इसके अंदर जो व्यक्ति शाही स्नान करता है, जो कुंभ के मेले के अंदर जो स्नान करता है ना, उससे क्या होता है, व्यक्ति को साक्षात एक स्वर्ग के दर्शन देखने को मिलता है, ये इतिहास के अंदर खाया जाता है। और साथ ही सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कुंभ मेला 2021 का फेस्टिवल आयोजन हो रहा है ना, इसमें पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व हो रही है, जैसे कि हमारे भारत का पड़ोसी राज्य कौन, नेपाल, और नेपाल के आखिरी हिंदू राजा कौन, ज्ञानेंद्र जी भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कहाँ पर, कुंभ मेले 2021 के अंदर। कुंभ मेले 2021 की ऐसी वीडियो सामने आ रही है कि उनको देख के तो ऐसा लगता है 2 गज की दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी उन लोगों के द्वारा कदर नहीं की जा रही, और जिसके कारण दोस्तों जो कोरोना के पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव केस इंक्रीज हो रहे हैं। नेपाल के किंग या हिंदू राजा कहे जाने वाले ज्ञानेंद्र का यूके के CM त्रिनाथ सिंह रावत के द्वारा भी उनका वेलकम किया गया है, आओ कुंभ के मेले के अंदर पार्टिसिपेट करो। इस वीडियो के द्वारा आप लोगों ने कुंभ मेला जो हरिद्वार के अंदर आयोजन हो रहा है ना, उसके बारे में जाना, और इस सूचना, इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हाय दोस्तों, हम लोग हमेशा से ही सोचते थे कि आखिरकार न्यूज़ आर्टिकल को, इनको रीड करके अपनी नॉलेज को बूस्ट करना चाहा और इनके सही मायने जानने की कोशिश की, इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए मैंने एक पॉजिटिव वीडियो बेस्ड सॉल्यूशन निकाला। इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को कुछ वैल्यू मिलती है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे ना, वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और फ्यूचर के अंदर ऐसी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती रहे। और आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। आपका दिन मंगल हो।